कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब एकदम फैंटास्टिक होंगे, बिल्कुल मेरी तरह, क्योंकि मैं भी एकदम फैंटास्टिक हूँ। यस, मैं बहुत दिनों के बाद आपके साथ वार्तालाप कर रही हूँ, क्योंकि मैं कुछ अच्छा सा प्लान कर रही थी और वेट कर रही थी सही टाइम का। एंड आई थिंक नाउ द टाइम इज कम, एंड गेस व्हाट, ये मेरा 100th वीडियो है। चलो शुक्र है कहीं तो सेंचुरी मार पाई। अच्छा तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये मेरा 100th वीडियो होगा, तो मैंने कहा मौका भी है और दस्तूर भी, तो क्यों ना मैं कुछ कमेंट्स, सिलेक्टिव कमेंट्स अपने वीडियोस पे मुझे मिले हैं उसके बारे में आज आपके साथ चर्चा करूँ। वैसे अगर मैं ऑनेस्टली कहूँ तो मेरे सारे वीडियोस पे आप लोगों ने हमेशा अच्छे अच्छे कमेंट्स ही किए हैं तो मैं अच्छे कमेंट्स भी रीड करूंगी, बट साथ ही साथ कुछ लोग हैं जिनको थोड़ी सी चुल मची रहती है, तो वो कमेंट्स भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। पहला कमेंट, मैं शॉर्ट वीडियोस बनाया करती थी ऑन पैकिंग लंच फॉर ऑफिस, तो उस पे एक बंदे ने कमेंट किया है, दिस इज नॉट हेल्दी, द ओनली हेल्दी थिंग इज द वेजीज। तो जनाब मैं आपको यही कहना चाहूंगी कि इट्स ओके, आपने कमेंट किया, यही बड़ी बात है। उसी के नीचे एक और बंदा कहता है, ब्रो इट इज लिटरली लंच, टट्टी खाना बनाती हो दीदी, बर्गर को हेल्दी बोलती हो, आपको दिमाग नहीं है? तो जी हाँ, आप ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर किसी में भी खा सकते हैं। टू नंबर बबुआ, एक और अंग्रेज है जो मेरे चैनल पे आके कमेंट किया है, उन्होंने, वो कहती है, हेलो डेट वेज इज प्रोनाउंस्ड क्यू कम्बर नॉट क्यू कुम्बर यू सिली गर्ल। ऑनेस्टली मुझे स्कूल में सिखाया गया था कुकुम्बर, तो हम कुकुम्बर ही कहते थे, बट इट वॉज अ वेरी करेक्टिव कॉमेंट आई वुड से, क्योंकि बाद में मैंने गूगल करके भी देखा एंड इट वॉज क्यूकम्बर, तो आई टेक इट एज नॉट अ कॉमेंट बट आई टेक इट एज अ लर्निंग, एंड या अभी जो भी मैं प्रोनाउंस करती हूँ आई हैव करेक्टेड माई सेल्फ एंड आई प्रोनाउंस इट क्यूकम्बर। तीसरा कॉमेंट, आपके कोरिएंडर लीव्स कितने गंदे हैं, पहले क्लीन कीजिए। तुझे बोला था ना हरा धनिया लाने के लिए, काला धनिया लेके आई कल मुही। पता नहीं यार, मतलब लोग क्या क्या देख लेते हैं ना। तो जब मैंने वो कोरिएंडर लिया तो ऑफ कोर्स इट वाज फ्रेश ओनली और खाने वाला ही था, इट वाज गुड फॉर कंजम्पशन, बट उसमें कुछ वो एक काला पत्ती जो है वो रह गया था, एंड ये भी यू नो पकड़ लिया गया था। तो मैं कभी भी ये कमेंट्स पढ़ती हूँ ना तो मुझे इतना हंसी आता है सबसे पहले तो, क्योंकि यू नो कि लोग इतने बारीकी से मेरा वीडियो देख रहे हैं, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। दीदी वाह दीदी, नहीं नहीं दीदी वाह दीदी, दीदी दीदी सबसे अच्छा कमेंट। तो एक फूड मैजिक करके एक चैनल है, शायद उनका यूट्यूब चैनल होगा, फूड मैजिक उनका आईडी है, उसके आईडी से मुझे एक कमेंट आया था कि आपका रेसिपी अत्यंत सुंदर और अत्यंत स्वादिष्ट है और आप स्वादिष्ट रेसिपीज बनाते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल फूड मैजिक थैंक यू सो मच। हाय हाय, इतना सुकून। कमेंट्स लाइक दीज आर यू नो व्हाट मेक्स मी गोइंग, व्हाट मेक्स मी फील दैट ओके मैं कल सुबह फिर से उठूं, मैं कुछ बनाऊं, यू नो इवन तो मेरे पास टाइम नहीं है, आप सब जानते हो जितने भी लोग मुझे यू नो जब से मेरा ब्लॉग मैंने बनाना शुरू किया तब से मुझे फॉलो करते हो, उनको पता है कि YouTube इज़ नॉट समथिंग दैट आई डू फुली, फुल फ्लेज्ड नहीं करती हूँ। YouTube जो है एक यू नो एज अ हॉबी, यू नो वीडियोज बनाना एक हॉबी अच्छा लगता है मुझे, मैं उस हिसाब से इसको परस्यू करती हूँ, ऑल्दो आई एम प्लानिंग टू यू नो डू इट फुल फ्लेज्ड, बट मैं अपना 9 to 6 जॉब को भी उतना ही अहमियत देती हूँ, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मी राइट नाउ, बिकॉज दैट इज़ अ सोर्स ऑफ इनकम। YouTube से मुझे फिलहाल कोई इनकम नहीं आती है, बिकॉज टू गेट योर चैनल मोनिटाइज्ड आपको 1000 सब्सक्राइबर्स की ज़रूरत होती है और 4000 वॉच आवर्स की ज़रूरत होती है, तो मेरा चैनल अभी यू नो आगे बढ़ रहा है, और यू नो मे बी इन 2 or 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ जब मैं ये वीडियो देख रही होंगी और जब मेरे यू नो मेरा चैनल मोनेटाइज हो के मेरे अच्छे सब्सक्राइबर्स हो के होंगे, तो आई बी वेरी प्राउड ऑफ माई सेल्फ। वो पांचवा भी है कॉमेंट, ट्रैवलिंग वीडियो, जब हम हम्पी गए थे एज फ्रेंड्स, वी ऑल हैड बीन टू हम्पी, तब मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसपे मुझे एक कॉमेंट आया था, नाइस एडिटिंग। तो सौरभ थैंक यू सो मच फॉर यू नो फॉर योर पॉजिटिव कॉमेंट, या आपको मेरा एडिटिंग अच्छा लगा, वैसे इट वॉज वेरी इनिशियल और ज़्यादा कुछ मैंने तभी किया नहीं था, बट फिर भी अप्रिशिएट किया और आपके अप्रिसिएशन के चलते मैं दूसरे वीडियोज बना पाई, तो इसके लिए आपका दिल से शुक्रिया। वेरी सिक्सी कॉमेंट, एक और बहुत यू नो यूजफुल कॉमेंट मुझे किया था SKYAZ ग्रुप, उन्होंने वो कहते हैं, क्लोज्ड कैप्शंस वुड हेल्प मी अंडरस्टैंड इफ दे स्पीक इंग्लिश एंड नॉट योर लैंग्वेज।
तो मेरे वीडियोस पे यू नो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स दो लैंग्वेज हम स्पीक यू नो आई स्पीक और जितने भी मेरे वीडियोस में आते हैं मेरी फ्रेंड्स फैमिलीज दो लैंग्वेज में बात करते हैं, इट्स ईदर इंग्लिश और हिंदी. एंड कभी कभार जो हिंदी स्पीकिंग ऑडियंस है उन्हें इंग्लिश समझ में नहीं आती, जो इंग्लिश स्पीकिंग ऑडियंस है जैसे कि यू नो आउटसाइड ऑफ इंडिया उन्हें हिंदी समझ में नहीं आती है. और ये चीज़ यू नो मुझे बहुत लोगों ने कॉल आउट की थी. एंड तब से यू नो मैं ट्राई करती हूँ कि जितने भी मेरे ट्रैवल वीडियोस है एटलीस्ट उस पर मैं क्लोज्ड कैप्शंस या सबटाइटल्स जो है वो ऐड करूँ. हालांकि बहुत टाइम लगता है सबटाइटल्स बनाने में क्योंकि जो मैंने कहा है उसको रिपीट करना है डिफरेंट लैंग्वेज में टेक्स टाइम. तो बहुत सारे वीडियोस में मैं नहीं डाल पाती क्योंकि फिर अगर मैं उतना करने लग जाऊंगी ना तो एडिटिंग करते करते देन आई विल फॉरगेट कि मुझे वीडियो बनाना भी है अपलोड भी करना है. बट आई ट्राई डूइंग दैट विद माय ट्रैवल वीडियोस और मेरे कई वीडियोस में मैंने क्लोज कैप्शंस ऐड किए हैं. यू आर माय 7 कमेंट. एडिटिंग पे एक और कमेंट मुझे आया था, कहते आपका मैं बस खिड़की के सामने बैठ के, यहाँ पे खिड़की है और मैं यहाँ पे बैठ के आप लोगों से बातें कर रही हूँ एंड दैट्स तो बहुत ज़्यादा कभी कभी आवाज़ नॉइज़ आ जाता है. आई एम यू नो वर्किंग ऑन गेटिंग अ माइक, थोड़ा सा एक्सपेंसिव है अमेज़ॉन पे तो बस पैसे जुटा रही हूँ. जैसे ही जुट जाएंगे तो एक माइक भी ज़रूर आएगा ताकि यू नो क्लैरिटी से मैं आपके साथ कनेक्ट कर सकूँ, स्पेशली दीज वन ऑन वन कॉन्वर्जेशंस. यू नो एडिटिंग पे मेरा कॉमेंट है जिसकी मैं बात कर रही हूँ, आपका इंट्रो किस ऐप से एडिट करते हो? तो मैं जो ऐप फिलहाल यूज़ करती हूँ, नॉट ओनली इंट्रो, जितना कि मेरा पूरा वीडियो है मैं एडिट करती हूँ इनशॉट ऐप से, क्योंकि इनशॉट पे मुझे बहुत सारे यू नो प्रीसेट्स टेम्पलेट्स हैं जो मुझे अच्छे लगते हैं, फिल्टर्स भी हैं जो यू नो काफ़ी नेचुरल लगते हैं अगर मैं यूज़ भी करूँ तो आई यूज़ इनशॉट. पहले मैं काइंड मास्टर यूज़ करती थी बट काइंड मास्टर में मुझे बहुत यू नो बहुत मेहनत लगती थी क्योंकि मैं अपने वीडियोस जो हैं वो फ़ोन में ही एडिट करती हूँ. आई डोंट हैव यू नो आईपैड और मैं लैपटॉप में भी नहीं करती, आई एडिट इट ऑन माय फ़ोन. अब मुझे आदत हो गई है, 100 वीडियोस एडिट करने के बाद आदत तो हो ही जाएगी राइट. तो अब आदत हो गई है एडिट करने के लिए एंड बस इन शॉर्ट से मैं एडिट कर रही हूँ. वैसे काइंड मास्टर इज ऑल्सो गुड अगर आप नए हो और आप नए से शुरुआत करना चाहते हो यूट्यूब वीडियोस या इंस्टाग्राम या जो भी है टिकटॉक, जो भी वीडियोस आप यू नो जो भी वीडियोस हैं आप एडिट करना चाहते हो आप काइंड मास्टर से कर सकते हो क्योंकि मैंने यूज़ किया है. थिंक काइंड मास्टर का जो सब्सक्रिप्शन है वो आपको लेना पड़ेगा, कुछ 2000 या 3000 के आसपास उसका सब्सक्रिप्शन आता है तो यू कैन टेक दैट. इन शॉर्ट जो है वो थोड़ा सा चीपर है मुझे ऐसा लगता है, थोड़ा सा यू नो ईजी ऑन पॉकेट है वेन कम्पेयर टू काइंड मास्टर. बट यू हैव मैनी फ्री, आपको बहुत सारे फ्री एडिटिंग एप्स भी मिलते हैं, आपको बस थोड़ा रिसर्च करना है एंड्रॉइड प्ले स्टोर पे या आप iOS पे भी देख सकते हो. चलिए नेक्स्ट कमेंट पे चलते हैं. आठवां कमेंट. ये कमेंट्स में अपने ट्रैवल वीडियोस के कुछ कमेंट्स हैं वो आपको पढ़ के सुनाती हूँ. तो वन सच कमेंट इज फ्रॉम विटियम 7224. वो कहते हैं दिस इज नॉट हिप्पी आइलैंड, यू हैवंट इवन एंटर्ड हिप्पी आइलैंड इन दिस वीडियो, प्लीज चेंज द टाइटल ऑफ दिस वीडियो एज इट इज मिसलीड. यू नो हिप्पी आइलैंड्स जो हम्पी में पहले होता था नाउ इट इज़ कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड एंड टेकन डाउन, सो देर इज नथिंग कॉल्ड एज हिप्पी आइलैंड्स एनी मोर. बट जहाँ पे भी हम हम्पी जा रहे थे घूम रहे थे ना वो लोग हमसे कह रहे थे कि दिस प्लेस इज हिप्पी आइलैंड, क्योंकि उनके लिए भले ही वो आइलैंड अब हिप्पी नहीं रहा लेकिन वो हिप्पी आइलैंड ही है. सो दैट इज द रीजन वाई मैंने हिप्पी आइलैंड करके टाइटल दिया था. बट ये जनाब शायद हम्पी से इनको कुछ ज़्यादा ही प्यार है तो जब इन्होंने मेरा ही वीडियो देखा तो शायद उनको ऐसा लगा होगा कि मिसलीडिंग है एंड दैट इज़ द रीज़न वाई ही पोस्टेड दिस कमेंट, विच फॉर विच मैंने आगे जाके उनको अपना एक्सप्लेनेशन भी दिया है अपने कमेंट में. नो कमेंट्स. तो व्लॉग्स पे भी मेरे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, बहुत ज़्यादा कमेंट्स जो हैं वो बहुत अच्छे रहते हैं, कुछ कमेंट्स जो हैं वो थोड़े तीखे रहते हैं, थोड़े डाइजेस्ट नहीं हो पाते हैं. वन सच कमेंट इज फ्रॉम मिस्टर जॉयल D8428 जो कहते हैं कि घटिया सा व्लॉग. चुप कर बकवास करता है, काम कर अपना. तो जॉयल अगर आपको मेरा व्लॉग नहीं अच्छा लगा है तो मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, जो यू नो मैं करती हूँ वो एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए करती हूँ. अगर आप उससे एंटरटेन नहीं होते हैं तो इट्स ओके, यू कैन ईदर अनसब्सक्राइब और यू नो प्लान टू नॉट वॉच माई वीडियोज एनी मोर. कुछ 10 कमेंट. ये एक लास्ट कमेंट है जो मैं रीड करूँगी, बहुत ज़्यादा अच्छा कमेंट लगा मुझे ये. तो पुष्पेंद्र गंगवार 6190 इनके तरफ से ये कमेंट है, ये कहते हैं आई शिफ्टेड टू मैंगलोर फ्यू डेज बैक सो सर्च्ड अबाउट रेशन थिंग्स एंड आई फाउंड दिस
एनीवेज कीप गोइंग, ऑल द बेस्ट। मैंने डीमार्ट शॉपिंग का एक ब्लॉग अपलोड किया था जहाँ पे आई वेंट शॉपिंग विद माई मॉम टू डी मार्ट। सो दिस वेरी पर्सन आई थिंक ही शिफ्टेड टू मैंगलोर रिसेंटली एंड ही वॉज सर्चिंग फॉर वेर ही कुड गेट गुड राशन। तो मेरे वीडियो से जो है वो उनको बहुत मदद हुई और उन्होंने आके यहाँ पे अप्रिशिएट किया। थैंक यू सो मच। स्पेशली जब भी मैंगलोर ऑडियंस यू नो कमेंट करती है और पॉजिटिव कमेंट करती है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। एक्चुअली दैट वॉज नॉट द लास्ट कॉमेंट, ये एक लास्ट कॉमेंट होगा। मैं ऐसे ही स्क्रोल करी थी अपने कॉमेंट्स पे एंड आई केम अक्रॉस दिस वन यू नो। तो फासला 9264 ये मुझे बहुत कमेंट करती हैं, इन्होंने पहले भी कमेंट किया था एंड ये मुझे बहुत दिन से कमेंट करी है कि शी वांट्स टू वॉच मी एंड माय फैमिली डू वाटर वॉच चैलेंज। सबसे पहले तो मुझे पता नहीं था वाटर वॉच चैलेंज क्या होता है, तो मैंने गूगल करके यू नो यूट्यूब पे सर्च करके देखा एंड काफ़ी फनी लगा मुझे। तो मैं ट्राई ज़रूर करूँगी वाटर वॉच चैलेंज फासला एंड ज़रूर पोस्ट करूँगी ये वीडियो बहुत जल्द। मैं यहाँ पे ना एक अपार्टमेंट में रहती हूँ तो आउटडोर प्लेस का कुछ मिल नहीं रहा है फिलहाल एंड कि यू नो मैं ये वाटर वॉच चैलेंज कर सकूँ। आई वॉन्ट टू गो टू अ रिजॉर्ट सम प्लेस लाइक दैट एंड देन टेक माई फैमिली अलॉन्ग एंड डू दिस चैलेंज कि यू नो देखने को भी अच्छा लगेगा एंड कुछ कॉन्टेंट भी अच्छा होगा। तो दिमाग में बहुत सारी चीज़ें हैं और डिसाइडेड है और बहुत जल्दी मैं करूँगी ये चैलेंज एंड पोस्ट भी करूँगी आप सबके लिए। तो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। तो बस इतने ही हैं। वैसे बहुत सारे लोगों ने मुझे यू नो ये भी सजेस्ट किया है, जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं, कि आप लाइव आइए हमारे साथ इंटरेक्ट कीजिए। तो फिलहाल तो मैंने कोई ऐसे लाइव सेशंस किए नहीं है, मैंने यू नो डायरेक्ट इंटरेक्शन नॉट ऑन यूट्यूब नॉर ऑन इंस्टाग्राम ऐसा कुछ किया है। बट जिस दिन मेरे 1K सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे उस दिन मैं एक लाइव ज़रूर रखूंगी एंड एक गिव अवे भी रखूंगी, क्योंकि बहुत मतलब प्लान करके रखा है मैंने। तो ये सारी चीज़ें होंगी। 1K सब्सक्राइबर के लिए मैं वेट कर रही हूँ। अपना चैनल मोनेटाइज करना है मुझे, कैसे भी करके इस ईयर मैं अपना चैनल मोनेटाइज करूंगी, फिंगर्स क्रॉस। मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं इस साल तो एटलीस्ट अपना जो चैनल है वो मोनेटाइज करूँ और इसको आगे लेके जाऊँ। बहुत सारी चीज़ें सीखने को हैं अभी मेरे पास बाकी, क्योंकि मैं अभी बहुत एमेच्योर लेवल पे वीडियोस बना रही हूँ। बहुत बड़े बड़े लेवल पे बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, ब्लॉगर्स हैं जो ब्लॉग्स बनाते हैं, मैं उनको देखती हूँ। फ्लाइंग बीस्ट हो गए, सौरभ जोशी हो गए, सितारा यासीन पाकिस्तानी एक चैनल है, मैं उनको देखती हूँ। तो उन सबको देख के ही इंस्पिरेशन लिया मैंने एंड ये कुछ करने का मैंने ट्राई किया है। बहुत सारी चीज़ें मैं कर रही हूँ। मैं आई एम नॉट जस्ट स्टिकिंग टू ब्लॉग्स, मैं ट्रैवल ब्लॉग्स बनाती हूँ, मैं डेली ब्लॉग्स भी बनाती हूँ, मैं चैलेंज वीडियोस बना रही हूँ, मैं फूड वीडियोस बना रही हूँ, मैं रेसिपीज तक शेयर कर रही हूँ। तो ये सारी चीज़ें कर रही हूँ और बस यू नो यही है मेरा नीश कि आपको एंटरटेन कर सकूँ। एंड अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और मुझे हेल्प कीजिए कि मैं अपने 1K टारगेट से ज़रूर जल्दी कंप्लीट कर सकूं और अपना चैनल जो है वो मोनेटाइज कर सकूं। सब्सक्राइब करिए और सब्सक्राइब करने के बाद एक एक वीडियोज़ देखिए, क्योंकि मैं गारंटी तो नहीं दे सकती बट हाँ आप निराश बिल्कुल नहीं होंगे। और यदि आप हो भी गए तो कमेंट करके बता दीजिए कि मैं क्या अच्छा कर सकती हूँ ताकि आई वर्क ऑन माई सेल्फ या एंड आई गेट गुड कॉन्टेंट फॉर यू। सो हैव नाइस डे एंड बाय।